तो फ्रेंड आज मैं गुवाहाटी के दूरदर्शन केंद्र सेंटर में जा रही हूँ। वहाँ पे मेरे फूफा जी नौकरी करते थे और आज उनकी रिटायरमेंट पार्टी है, तो मैं रिटायरमेंट पार्टी में ही जा रही हूँ। मुझे भी इनवाइट की थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दूरदर्शन केंद्र की वीडियो। और आज लंच के लिए बुलाए हैं वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे लंच करेंगे। हस्बैंड और मैं अभी जा रही हूँ, मम्मी पापा भी गए हैं, मेरी बेटी भी गई है मम्मी पापा के साथ, और मुझे एक दूसरी काम भी है, वो काम होने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो इसलिए दिखाती हूँ आप लोगों को लंच की पार्टी की वीडियो, रिटायरमेंट पार्टी की वीडियो फूफा जी के। ये देखिए, ये है दूरदर्शन केंद्र। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अपने नाम लिखनी होती है, वही हस्बैंड लिख रहे थे और मेरे पापा आए हैं ये लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग है, तो पता नहीं कौन सी डिपार्टमेंट में जानी है। मैं पहली बार आ रही हूँ, तो इसकी वजह से। तो अभी पापा के साथ जा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पेड़ है यहाँ पे, और बहुत अच्छी व्यू है। और हमारी जो दूसरी काम थी वो भी हो गई है लगभग अभी, इसलिए हम लोग अभी थोड़ी लेट आए हैं हस्बैंड और मैं। मेरी बेटी और मम्मी पापा फूफा फूफी वो लोग तो सुबह ही आ गई थी। और यहाँ पे फूफा जी के जो ऑफिस के जो फ्रेंड है ना, वो उन लोगों को भी इनवाइट की है, सारे के सारे जितने भी फ्रेंड है। जब हम नौकरी करते हैं एक साथ तो बहुत अच्छी पक्की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो आज थोड़ी सी दुख की दिन भी है कि हमारी फूफा जी रिटायर हो रही है, तो इसलिए पार्टी होगी। और सबको मतलब रोज़ मिलते हैं ना मॉर्निंग से लेके शाम तक, तो अभी वैसा मौका नहीं है, अभी तो रिटायर हो गई है, तो थोड़ी सी दुख भी होती है सबको। तो थोड़ी पैदल चल रही हो, क्योंकि जो बिल्डिंग है थोड़ी दूर है, पैदल ही जाना पड़ेगा अभी। लेकिन हम अभी जो दूरदर्शन केंद्र की ना, अभी हम वहाँ के अंदर ही है, डिपार्टमेंट के अंदर है अभी हम। तो ये बिल्डिंग जो दिख रही है ना, वहाँ पे जानी है हमें, वहाँ पे लंच की तैयारी है। और यहाँ पे लंच करने के बाद हम लोग चलेंगे घर। तो यहाँ की डेकोरेशन ना बहुत अच्छी तरह से की है, पार्क की टाइप ही लग रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है। लेकिन गर्मी बहुत है, तो अभी आ गए हैं हम ये फूफा जी के जो रेस्ट रूम है ना, वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी भी है, फूफी भी है, यहाँ पे रेस्ट कर रही है। और अभी हो गई है लंच की तैयारी, तो अभी कर लेते हैं लंच। और लंच में था राइस, फिश, मटन, वेजिटेबल फ्राई, सब्जी फ्राई और सैलड, तो बहुत कुछ था। तो अभी भूख भी लगी है, खाना खा लेती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद चलेंगे घर। ये जितने भी लोग हैं ना, ये फूफा जी के फ्रेंड हैं सारे के सारे, और वो गले में जो गमूछा लेके है ना, वो मेरी फूफा जी है। तो फूफा जी को बहुत सारे गिफ्ट भी मिले हैं, तो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक भी है मेरे पास, तो लास्ट में दिखाऊंगी, आप लोग वीडियो पे जुड़े रहना। तो अच्छा लगता है ऐसे पार्टी में आके, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ जाती है ना, इतनी साल मतलब 36 या 39, इतनी ज़्यादा साल हम लोग एक साथ काम करते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट में थोड़ी सी दुख होती है, लेकिन अच्छी भी लगती है सबके साथ मिल के, एक मतलब खाना खाने में, पार्टी करने में। ये दाल भी था, तो खाना तो बहुत मज़ेदार बने थे। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और एक फूफा जी की फ्रेंड ने मोबाइल लेके, मतलब मोबाइल मुझे बोला, आप खाना खाओ, मुझे मोबाइल दे दो, मैं वीडियो शूट करके देती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। पुलिसमैन था वैसे वो, तो अभी ये वीडियो शूट कर रही है। और अभी खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं घर, और जो भी फ़ोटो क्लिक है मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँगी। तो वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो अभी मैं लास्ट में दिखा दूँगी फ़ोटो क्लिप, तो आप लोग फ़ोटो क्लिप देख लेना। और मेरी बेटी तो मोबाइल में घुसी रहती है।
तो ये रही लास्ट में जो मैं बोल रही थी, आप लोगों को फ़ोटो क्लिक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फूफा जी को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे और ये यादें ना हमेशा याद रहेगी ब्यूटीफुल मेमोरी के तौर पर। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप लोगों को थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।